नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और उनकी जयंती के मौके पर केंद्र सरकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है और आज दिल्ली में सदैव अटल स्मारक स्मृति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वहां पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उस कार्यक्रम में पंकज उधास भी पहुंचे, जिन्होंने एक भजन गाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मुंह बोली बेटी नमिता भट्टाचार्य भी पहुंची और उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज पूरा देश जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है, हाल ही में 16 अगस्त 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है, लेकिन आज देश भर में अलग अलग जगहों पर उनकी याद में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और उनकी जयंती के मौके पर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में आज देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी याद में देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।